बच्चों आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन से पूर्व बताना चाहूँगा, जो बच्चे रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं और एडवांस आउटलाइन का कोर्स लेना चाहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9414842949 पर। यस, डिक्टेशन स्टार्ट। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला जितना चौंकाने वाला था उतना ही आश्चर्यजनक रहा। इस पद के लिए भूपेंद्र पटेल का चयन। पटेल पहली बार इसी विधानसभा के लिए चुने गए थे, वहीं उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद गुजरात तीसरा भाजपा शासित राज्य है जहां हाल फिलहाल मुख्यमंत्री बदला गया। यहां अगले साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह कदम किसी भी सत्ता विरोधी लहर की आशंका को पूरी तरह खत्म करने के लिए उठाया गया है। खासतौर पर कोविड को लेकर लोग रूपाणी सरकार से नाराज थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कथित तौर पर मृतकों की संख्या कम करके बताए जाने, दवाओं की कमी और स्वास्थ्य ढांचे की अपर्याप्तता की खबरों के बीच प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और रूपाणी के बीच तालमेल की कमी भी सुर्खियों में रही थी। ऐसे में नेतृत्व परिवर्तन का यह फैसला एक तीर से दो शिकार करने का प्रयास कहा जा सकता है। नए मुख्यमंत्री पटेल समुदाय से है, यह समुदाय अरसे से भाजपा समर्थक और पार्टी की हिंदुत्व की राजनीति का आधार रहा है। पटेल पिछले कुछ वर्षों से भाजपा से नाराज चल रहे थे, खासतौर पर सूरत निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिले समर्थन के बाद भाजपा को लगा कि उसे पटेलों को गोलबंद करना जरूरी है, इसलिए भूपेंद्र पटेल को नया सीएम बनाया गया है। यह फैसला सत्ताधारी पार्टी की रणनीति में एक और बदलाव की ओर इशारा करता है। गुजरात में विजय रूपाणी, महाराष्ट्र में गैर मराठा देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा में गिरजाट मनोहर लाल और झारखंड में गैर आदिवासी रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने पहले संदेश दिया था कि वह प्रदेश राजनीति में दबदबा रखने वाली जाति का मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। इसके पीछे एक दलील तो यह थी कि वह जात पात की राजनीति को बढ़ावा नहीं देना चाहती। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पर सवार भाजपा को अन्य कारकों की ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं हो रही थी, मगर बदले हालात में कर्नाटक में येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उनके लिंगायत समुदाय से ही अगला मुख्यमंत्री चुना जाना और फिर गुजरात में पटेल समुदाय का मुख्यमंत्री बनाया जाना बताता है कि भाजपा की राजनीति के प्रचलित और समय सिद्ध फार्मूले की एक हद से ज़्यादा अनदेखी करने के मूड में नहीं है। संभव है कि विपक्ष इस मोदी फैक्टर का असर घटने और पिछली भाजपा सरकार की नाकामी के सबूत के रूप में पेश करना चाहते, लेकिन राजनीति में कामयाबी से बड़ी कोई कसौटी नहीं होती। भाजपा की भी इस रणनीति की सार्थकता अगले विधानसभा चुनावों में ही साबित होनी है। आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को यह समझ आया कि किसान संगठनों का आंदोलन राज्य के लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने इन संगठनों से कहा है कि यदि उन्हें आंदोलन करना है तो वे हरियाणा और दिल्ली जाए, क्योंकि उसके कारण राज्य को नुकसान हो रहा है। क्या
किसान संगठनों के हरियाणा और दिल्ली जाकर आंदोलन करने से इन राज्यों में समस्याएं पैदा नहीं होंगी। सवाल यह भी है कि वह कितने और प्रदर्शनकारियों को दिल्ली भेजेंगे। ध्यान रहे कि दिल्ली के सीमांत इलाकों में किसान संगठनों की ओर से दिया जा रहा धरना पहले से ही लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। हालांकि इससे किसान संगठन भी अवगत है, लेकिन वह अपने जिद छोड़ने को तैयार नहीं। आखिर अमरिंदर सिंह जिस आंदोलन को अपने राज्य के लिए ठीक नहीं मान रहे, उसे दूसरे राज्यों में क्यों ठेलना चाहते हैं? अच्छा होता कि वह यह कहने का साहस जुटाते कि किसान संगठन पंजाब के साथ अन्यत्र भी अपना आंदोलन समाप्त करें, क्योंकि हर कहीं वह आम लोगों के लिए मुसीबत बनने के साथ आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा है। किसान संगठनों का आंदोलन एक ओर हरियाणा में बहादुरगढ़ के कारखानों के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो दूसरी ओर उसके चलते पंजाब में कई औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। इसके चलते सैकड़ों लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। किसान संगठन भले ही किसानों के साथ नौजवानों के हितों की रक्षा का दम भर रहे हों, लेकिन सच यह है कि वे उनके हितों को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अमरिंदर सिंह की माने तो किसान संगठन पंजाब में 100 से ज़्यादा स्थानों पर आंदोलनरत हैं और इसके कारण राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा है। इस सच से इनकार नहीं, लेकिन अमरिंदर सिंह को इसका आभास तो तभी हो जाना चाहिए था जब वह किसान संगठनों को धरना प्रदर्शन के लिए उकसाने के साथ उनका खुला समर्थन भी कर रहे थे। उन्होंने किस तरह किसान संगठनों को उकसाकर दिल्ली भेजा, यह उनके इस बयान से साबित होता है कि वे उनकी वजह से ही दिल्ली में डटे हुए हैं। उन्होंने यह स्पष्ट भी किया कि यदि वह आंदोलनकारियों को पंजाब में रोक देते तो वे दिल्ली की सीमाओं पर नहीं पहुंच पाते। उनका यह बयान यही बताता है कि नेतागण अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए किस तरह देश के लिए संकट बनने वाले आंदोलनों को हवा देते हैं। बेहतर हो कि अब किसान संगठन भी यह समझे कि उनका आंदोलन आम आदमी को तंग करने के साथ अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंचा रहा है। धन्यवाद।